हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दुआ पाती लाइव। और आज मैं आपसे अपने घर के बारे शेयर करूंगा। मैं ऑफिस से आ गया हूँ, ऑफिस से आके मैं अभी बैठा हूँ। सुबह कहाँ गए थे आप? और सुबह है ये सुबह से हाय हाँ, सलाम। अस्सलाम वालेकुम। और जो है बस थोड़ा लेटा था मैं ऑफिस से आने के बाद, खाना खा के मैं लेटा। मैंने बोला चले आज मैं आपसे अपने घर के रूटीन शेयर करता हूँ। फर्स्ट व्लॉग होगा हमारा सदर के अंदर, जिससे मैं डेली व्लॉगिंग करता हूँ। तो रूटीन मैं जो है फर्स्ट टाइम शेयर कर अब रहा हूँ आप आपसे। फयाज को देख भूल गए होंगे। फयाज कैसा है? फयाज को तो आप भूल गए होंगे। फराज मैं अरे नहीं ना, लोगो सारे लोग भूल गए होंगे। सब्सक्राइबर ओके अरे फराज सर, में बहुत दर्द हो रहा है आज मेरे, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी। सुबह जल्दी उठ गए, 7 बजे चले गए ऑफिस। फिर और ऑफिस बारह से बजे आए 12 बजे, 12:30, 1 बज गया था आते आते। फिर नहीं मैं उसके तो बाद आप हम समझ लोगों रहे ने हो। गेम खेला हाँ प्ले स्टेशन में, और फिर उससे जो है ना, मैं वो गेम खेल रहे थे उससे जो है ना चक्कर आने लगे, मुझे गोल घूमने लगा लेकिन बता सर। ऐसा लग रहा है कि बस सर घूम रहा है, क्योंकि बहुत मैंने ही टाइम तो खेल सब लिया लंबे। बताया सुमान मुझे बात तो करने दो, था। तो बात नहीं करने देते बच्चे। तो जो है बस इस वजह से आज हमने कुछ चीज़ें मंगाई हैं बाहर से। अभी हमने जो है चाय के नाश्ते के लिए कुछ ना कुछ मंगाया है। आज न्याज भी देनी थी तो मैंने मिठाई मंगाई थी बेगम ने, तो आप समझे फातिहा होंगे। दे दूंगा। नो डोंट डोंट टॉक। और बच्चों के लिए अब मसला ये होता है कि सबके अपने अपने वो होते हैं। एक को खानी है चाट, एक को खाना है जिंगर, एक को खाना है फ्राइज। तीन अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसके लिए, और एक ही रेस्टोरेंट से नहीं मिलती। फूड पांडा ऑर्डर करो। तो सुभान भाई आर यू, तकलीफ हो रही है। तो तीन तीन अलग अलग ऑर्डर किए मैंने, फिन करें। पहले अभी मैंने मिठाई मंगाई, मिठाई आ गई। अब मैंने चाट मंगाई है और साथ में मैंने जिंगर मंगाया है। तो बस ये है कहानी। सो मिलते हैं आप जब लंच हम लोग करेंगे, मैं आपसे मिलता हूँ, मिलवाता हूँ सबसे। अभी तो सब सो रहे हैं हमारे यहाँ, कलूला करा रहे हैं, कलूला कालूला फरमा रहे हैं सब लोग, कालूला। ये जाग गया मैं कि इनका तो पेपर शुरू होने वाला है मंडे से। इनका फर्स्ट पेपर है, इनके असेसमेंट शुरू हो गए हैं। असेसमेंट खत्म हो गया अब क्या पेपर शुरू हो गए, हाँ मिड तो टर्म। और सेकंड ये स्पोर्ट्स में फर्स्ट आए हैं, आए सेकंड सेकंड आए। तुम तो बोले थे फर्स्ट आए हो, नहीं मैंने वो सेकंड आया सेकंड अब आए। सुबह में क्या लगा रहे सेकंड हो तुम, आया गीले हो रहे हो क्या? सेकंड आए हैं, ये स्पोर्ट्स में सेलेक्ट हो गए हैं सेकंड नंबर पे। सी सी आपको आधा आधा और ये जो है क्या है ये, सी ये देखो सी दिख रहा है ना, किसने बनाया है? सेन टीचर ने बनाया था मेरा। सी हाउस है, सी हाउस है मेरा। अच्छा सेलेक्ट हो गए स्पोर्ट्स में, और बाकी सारे बच्चे खाता आए थे ना वो तो निकल गए। चलो अच्छी बात है, कोशिश करना कि फर्स्ट आओ। हाँ अभी तो कुपा ये रूटीन है हमारी, देख रहे हैं। बस चले मिलते हैं थोड़ी देर में। बस हेलो गाइस, ये उठ गए हैं, मोमो ले रहे हैं, वो तो रो ले हैं। बगर खाएगा, बिल्ली खाएगा। ये सो के उठ गए हैं, हाय करते सबको, हाय करते हाय लगी हमारी। हाँ
हंसी हाय हंसी हाय अच्छा चलो चलो बर्गर खाएगा बर्गर खाएगा कौन सा बर्गर खाएगा बर्गर कौन सा खाएगा बोलो जल्दी से चूहा ले लो बिल्ली ले लो बिल्ली खा लेगा ये खाएगा 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 ये रो रहे हैं गाइस गाइस रो रहे हैं देखें Assalamualaikum guys, it's me Tuba Fahad and you're watching your own channel Tuba Fahad channel. So Tuba Fahad की life. आज बहुत दिनों बाद vlogging हो रही है. आज Saturday है तो मेरे पास भी time है और Fahad के पास भी time है. Otherwise दोनों के पास बिल्कुल अब timing जो है ना बहुत tough हमारी routine हुई हुई है. ज़ारा सो रही हैं, मोहम्मद फहद के पास हैं जो अल्टीमेटली रो रहे हैं और सुहान साहब के चल रहे हैं सब बच्चों के असेसमेंट, तो उसी प्रिपरेशन चल रही है सुहान की. बस आज अच्छा खासा टाइम मिल चुका है हमें कि थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लें. ये शौक़ है, ये आप लोगों से रब्ता करने का एक तरीका है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है. सो जो है ना रूटीन बहुत टफ जा रही है. बेरा हुई अब जा कहाँ रहे? छोले जा. क्या? खूब पाना से जो आज सैटरडे बन रहा है भाई सही से, क्योंकि जो है ना आज मैं भी जल्दी फ्री हो गई थी सारे काम करके और मेरी सास ने कपड़े धो दिए थे. तो ये होता है कि सैटरडे को मेरा बहुत बिजी जाता है. जब मैं मशीन भी लगा लूँ, कुकिंग भी करनी हो, क्लीनिंग भी हो, मासी आती तो है लेकिन आपको पता है मासी के साथ आपको लगना पड़ता है. फहद और सुहान कहीं जा रहे हैं और इट्स जूनियर फहद मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया मेरे बालों को. मैंने कटिंग कराई, बाल की कटिंग सही हुई नहीं, मेरे पर्सनली अच्छी नहीं लगी बाल की कटिंग. ये गंजा हो गए, कैचअप लेके बैठ गए हैं ये. क्यों बता इनका थोड़ा ये तुम्हारे स्टूपिड ब्रेन क्या कर रहे हैं आप? कैचअप कैचअप खाओगे? इसमें डाल के दूं कैचअप खाने इनको, समझ रहे हैं आप? मदराई मदराई ये तंग कर रहा है बस बहुत ज्यादा. सुभान इनकी फर्स्ट सैलरी में दी है. इनकी फर्स्ट सैलरी थी, आपको बता दूं आई एम डूइंग माय टीचिंग एज अ साइंस एंड मैथ टीचर. सो ये सब इन्होंने मंगाया है, हमने नहीं मंगाया, ये इन्होंने मंगाया है. मंगाया नहीं है लेकिन आप लोग ने मंगाया नहीं. शट अप, ये बहुत बोलने लगा है सुभान. जितना बड़ा हो रहा है उतना बोल रहा है. दादी को उठाओ, दादी से बोला आने खा ले चाट. मेरी फर्स्ट सैलरी की तरफ से इन लोगों को फ्रेंड अभी इनका गिफ्ट करता है एनिवर्सरी गिफ्ट. मैं तो इंशाल्लाह लगा रहे हैं प्राइस अच्छे लगते हैं क्या? अभी तो ये 15 डेज के मिली है तो इसमें आपको पता है हमारे यहाँ जो टीचिंग प्रोफेशन है जो कि हर प्रोफेशन को क्रिएट करता होता है लेकिन उनको कोई पे नहीं दी जाती. तो बट लेट्स होप फॉर अ गुड, अच्छी जगह है, अच्छे लोग हैं तो अच्छा होगा. ये है चार्ट, वो भी चार्ट ये वाली मिठाई है, बहुत मजे की लग रही है देख रहे हैं. और पता नहीं ये फादर ने फर्स्ट टाइम मंगाई है? नहीं मैंने बहुत पहले खाई थी. सो व्हाटएवर आई एम टुडे जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय फादर एंड माय हस्बैंड नाउ विद माय हस्बैंड. तो ये पहला बाइट इन्हीं को देंगे हम. तो बन मजे की है होया है. वेट टू मा वेट टू रबड़ी है. नहीं तो बार एक काम ले लो लेकिन बादाम के स्टाइल से गई नहीं थी अम्मी हमारी बहन क्या अब आ गई है? पर आप कहीं आई हैं?
अपनी बहन का बेटा हुआ है तो इस वजह से अपनी माँ को उसके भी बच्चे छोटे हैं इस वजह से। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है आज, आप बाकियों को देखें। वैसे तो होता होगा यूजुअली ही शायद, बट आज ना कुछ फील हो रहा है क्योंकि आज मेरे पास टाइम है असल में ब्यूटी इंजॉय करने का। मैं आपको दिखाती हूँ कितना सीन भी लग रहा है यहाँ से वहाँ तक, ऑरेंज हो रहा है आज का मौसम। यहाँ से तो बादल हैं बट यहाँ से बादल हैं, आसमान वैसा ही है। ये इस जगह से आसमान बड़े ही खूबसूरत नज़ारे दे रहा है, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह के मौसम को इंजॉय करना। टाइम हो थोड़ा सा, नेचुरल इंसान बैठे देखे बाहर, मैं अक्सर बैठ जाती हूँ यहाँ पे चेयर रख के। ये टाइम तो मेरे पास अभी तो फिर भी फ्री है, अब सून इंशाल्लाह ट्यूशन स्टार्ट करने हैं तो फिर ये टाइम भी नहीं होगा। अब ये नहीं हमारे घर वालों लोगों की तस्वीर है, ये नहीं हमारे मामा, ये नहीं हमारे मामू, ये नहीं हमारे बाबा, ये नहीं हमारे ज़रा उठ चुके हैं जो नाच रही है घर में, और मैं अभी आ गई का बना। तो आप लोग की चैनल कैसे लग रहा होगा तो याद करिएगा, शेयर करिएगा, और मैं आपको मिलाने वाला हूँ अपनी दादी से जिसका नाम है शांति। ये हमारी वो दादी जिनका नाम है शांति, थोड़े मैं आपको वन प्ले करके दिखाता हूँ। ये आप हाय करते हैं, सलाम दुआ तो आ जाते हैं फौरन मेरे को पूरी बनानी ना बेटा। हाँ हाँ लेकिन वीडियो वाले लाइक करके बोलते होंगे आप तो जाए, हम लोग को कभी भी वीडियो नहीं दिखाते। चलो तो ये है हमारे घर वाले, आप सोच रहे हो हमारे दादा का है, दादी बताए दादा नमाज पढ़ने गए अभी नहीं बताए, दादा नमाज पढ़ने गए इनके भी आएंगे, हम लोग तो चाय का हाँ अभी चाय पाई पियेंगे क्योंकि वो चाय टी ब्रेक हो चुका है हमारा। और यार एक बात बताओ कि दादा हमारे नमाज पढ़ने गए हैं, वो आएंगे जब हम लोग चाय साथ पीएंगे तो इस वीडियो के देंगे। तो आज की वीडियो इधर ही है, थैंक यू, बाय बाय टाटा। और उसके बाद क्या बोलना है, अपने दोस्तों को है मेरे अंग अंग में ठग, बिजली ने जो बम फाड़ा मजा आ गया लोगों को, बिजली कितनी महंगी हो गई आए जारा बताओ क्या करें हम, ये देखे कपड़े गंदे कर दिए बच्चों ने, ऑनेस्ट स्पीकिंग ये मैंने किया है बच्चों ने, मैंने खा रहा था बर्गर इसको मारा गया है, देख लीजिए ये है वो शख्स, ये है वो शख्स जो तंग करता है हम लोगों को, देखिए दिखाइए अपना मुंह, ये है वो है, हटो ना अपना मुंह गंदा, गीले हाथ मत लगाया करो भाई, उलझन होती है मुझे शुरू से, हटो वजू करने गए थे, तुम वजू करने गए थे नमाज पढ़ना है माशाल्लाह, भूत है भूत सवार है इन पे नमाज पढ़ने का, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी बात है बच्चों में होना चाहिए सब, है ना भाई जारा, ये अभी तक सही नहीं हो पाई है, इनको दो तीन दिन वाले मैंने खिलाए बट ये अभी भी वैसे ही, अपने मौसम से करो, यहाँ गंदे पैर लेके जाते हो। ये लीजिए इंस्ट्रक्शन सुने आपने, अपने वॉशरूम पे करो वजू, हमारे वॉशरूम में मत करो, लिमिट होती है ना साफ सफाई की, आप करते करते बंदा थक जाए। ये लोग मुझे पर्सनली जो है ना गीले वॉशरूम गंदे लगते थे शुरू से, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी ना तब भी मेरा वॉशरूम ऐसा होता था सूखा वॉशरूम, मैं चप्पल पहन के जो जाता था वो चप्पल भी मेरी सूखी हुई होती थी, इतना मैं साफ सुथरा वॉशरूम यूज करता था। अब जब से शादी हुई है ये बच्चे हमारा वॉशरूम यूज करते हैं, अल्लाह तौबा इस्तगफार, इतना गीला वॉशरूम कि यकीन करें मैं जब दरवाज़ा खोलता हूँ तो मुझे गीला दिखता है ना तो मेरे को अजीब सी कैफियत सी होने लगती है, अब ये शुरू से आदत है मेरी ना, तो
मुश्किल होती है। अब हम सेपरेटली शिफ्ट हुए हैं, यानी कि सेपरेट से मुराद ये है कि अब बड़ा घर हमने लिया है, तो अब वॉशरूम इन लोगों के अलग 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 है, लेकिन फिर भी उन्हें हमारा ही वॉशरूम यूज करना है। इनके वॉशरूम में लिजर्ड आ जाती है तो इसलिए यहाँ आते हैं, बट ये तो कोई बात नहीं हुई ना। और चप्पल भी गीली करके आएंगे, ऐसा लगता है पता नहीं क्या कर रहे होते, पानिया डाल रहे होते, पानी पानी पैरों को भी गीला कर लेंगे ना। मैं तो भैया मतलब क्या मैं वॉशरूम की बात करते भैया, सुभान मम्मा नमाज पढ़नी है, बीच से हटो। ये लोग बिल्कुल ही आउट ऑफ लिमिट हो जाते हैं कसम से। क्या मैं आपको व्लॉग डेली व्लॉगिंग दिखाऊंगा, ये लोग इतना तंग करते हैं कसम से। ये देखें इधर से कूद उधर, उधर से कूद उधर, ये लेटी रहेगी या वो लेटे, ये देखें ये देखें ये देखें, जो ये इनके अब्बा भाई करेंगे ना ये इनको लाजमी करना है। ये देखें ये देख लीजिए इसको, इसको मारिएगा वहां से, नहीं मोहम्मद गिर जाएंगे आप। ये लेटी है, कभी ये खेल कूद रही होती है तो वो लेटे हैं, पूरे दिन का यही है बस। सो मच टफ, शादी करके फंस जाए इंसान, बच्चों को संभाल लो, ऑफिस चले जाओ, घर आ जाओ, खाना खा लो, घूम लो फिर लो, कमा लो, बस यही जिंदगी है। गाना ना यही तो है अपनापन।